सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच यार, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और स्पेशल थैंक्स मैं वाटर किंगडम को कहना चाहूँगा, क्योंकि वाटर किंगडम ने जो है वो मेरा व्लॉग जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है परमानेंटली, कि आप जाइए यूट्यूबर कन्हैया बरे के व्लॉग्स को देखिए। तो थैंक यू सो मच आपको भी और वाटर किंगडम को भी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जाइए वाटर पार्क का वीडियो बनाइए, यानी इमेजिक का वाटर पार्क का जाइए वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस ब्लॉग को बनाने के लिए, क्योंकि एक रीज़न था, मैं इंतज़ार कर रहा था गोप्रो का। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पिछली बार सूरज वाटर पार्क में आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो मैं जो हूँ वो गोप्रो खरीद लूँगा। तो आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से गोप्रो जो है वो मैंने खरीद लिया, गोप्रो हीरो 9। आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। अपनी सीट्स बेल्ट आप बांध लीजिए, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप इमेजिका वाटर पार्क आना चाहते हो, एवरीथिंग, फूड चार्जेस, लॉकर्स, जितना भी सब कुछ है सब आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ। फुर्सत से टाइम निकाल के प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पर आपके लिए, ना कि मैं इन्जॉय करने के लिए आया हूँ। सो हमेशा की तरह एक छोटा सा गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। ये आपके वेलकम में है। जी हाँ, ये आपके स्वागत के लिए है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं ढेर सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो ज्यादा कुछ और न बोलते हुए चलिए पहले करते हैं इन्फॉर्मेशन से शुरुआत, बाद में एंटरटेनमेंट। सो इमेजिका जाने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी दादर से। मैं आपको बता दूं, इमेजिका जाने के लिए ट्रेन जो है वो दो दो घंटे पर मिलती है खपोली पहुंचने के लिए। तो खपोली जब हम पहुंचते हैं वहां से हम करते हैं ऑटो, ऑटो वाले लेते हैं 200 से 250 रुपये आपको खपोली से इमेजिका तक पहुंचाने के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप आ रहे हो इन्जॉयमेंट करने के लिए वाटर पार्क में, तो सैटरडे संडे अगर आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप वीकडेज़ में आइए, वेनजडे ट्यूजडे फ्राइडे ऐसे आइए तो आप ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर सकते हो, बट सैटरडे संडे आप इग्नोर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। देखिए, ये इतना बड़ा काउंटर है, यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल 1 से लेके 20 तक काउंटर है। इन 1 से लेके 20 में ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, थीम पार्क वाले, वाटर पार्क वाले, सारे ही अलग अलग लाइन हैं। हमने पहले वहाँ लाइन लगाया, वो ऑनलाइन वाला था, इतना समय हमने वहाँ पर वेस्ट कर दिया। बाद में पता चला कि वाटर पार्क का जो है वहाँ पर है। तो अगर आप आ रहे हो तो आप मेक श्योर कर लो पहले ही कि आप जो लाइन में हो वो सही लाइन है, या फिर आप किसी गलत लाइन में खड़े हो हमारी तरह। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरे ब्लॉग में, अगर आप सुन रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप में से किसी ने नहीं सुना है तो आप कमेंट में ये चीज़ लिख देना, ताकि जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता चल जाए। चलिए, सो अगर करें बात यहाँ पर आने की, यानी टिकट की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टिकट की प्राइस जो है मुझे पड़ी आज के दिन, मैं आया हूँ सैटरडे को, 1390 रुपये। जी हाँ, 1390 रुपये पर पर्सन पर है। मैं आपको बता दूँ, इस टिकट में फूड जो है वो नहीं इंक्लूड है, यानी खाना जो नहीं इंक्लूड है, खाना आपको अलग से लेकर खाना पड़ेगा। और अगर बात करें, अगर आप गर्दी में नहीं आना चाहते, यानी सैटरडे संडे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, आप वीकडेज़ में आना चाहते हैं, वीकेंड डेज में नहीं आना चाहते हैं, तो वेनेसडे को आइए। वेनेसडे को आपको एक टिकट पड़ेगी एडल्ट की 699 ऑनवर्ड्स, और उसके ऊपर जो GST वगैरह, टैक्स वगैरह ये लोग लगाएं वो। तो वेनेसडे को आइए, आपको टिकट भी सस्ती मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको गर्दी भी कम मिलेगी। सैटरडे संडे बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए अगर आप आराम से इंजॉय करना है। यहाँ पर दो टाइप की टिकट है, एक है एक्सप्रेस टाइप की टिकट है और एक रेगुलर टिकट है। तो रेगुलर टिकट तो मैंने निकाला है, जिन्होंने एक्सप्रेस टाइप की टिकट निकाली है तो उन्हें क्या है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको एक्सप्रेस के लिए आई थिंक 500 या 1000 रुपये कुछ ज़्यादा देने पड़ते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना वर्थ होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप पे कर सकते हैं। सो एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर लाइन ज़्यादा बढ़ जाए तो जो रोप वे है, आप जानते हैं इमेजिका में रोप वे होती है जो एक जगह से दूसरे जगह लेके आती है, यानी वाटर पार्क में ले जाती है ऊपर ऊपर से, तो वो फिलहाल गर्दी की वजह से बंद हो जाती है और हमें जाना पड़ता है
इस बस से। मेरे बैकग्राउंड में बस दिख रही है, इस तरह से बस लगा होता है, तो वाटर पार्क तक हमें ये बस जो है लेके आती है। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह, लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो अपने घर से ही लेकर आए। यहाँ पर आपको लॉकर देखने को मिल जाएंगे, अंदर भी है इस साइड से, और हमारा लॉकर जो है वो बाहर है। मैं आपको दिखाता हूँ, बेटा सेकंड सो लॉकर तो इतना बड़ा हमारा है कि कम से कम हमारे बैग्स अंदर जा सकते हैं। और ये लॉकर हमें जो मिला है वो बाहर मिला है, देखिए यहाँ पर बाहर में, अंदर भी बहुत सारे लॉकर्स है जो मैंने आपको दिखाए, लेकिन हमारा लॉकर जो है ये बाहर है। और हमें कुछ इस प्रकार का बैंड मिल जाता है, बैंड दिखाना, ये देखिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है शावर, आप आराम से शावर कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर जो है चेंजिंग रूम है, तो आप चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो चलिए फिर शावर लेते हैं, पूल में जाने से पहले ठंडा ठंडा पानी तैयार है भैया। बेटा सेकंड, वो चलो। तो भाई ये हमने मार ली है एंट्री इन मैजिका वाटर पार्क में, और ये देखिए नज़ारा आपके स्क्रीन के सामने। मतलब यही तो मज़ा है यार, गर्मी के टाइम में अगर आपने वाटर पार्क नहीं विजिट किया तो मतलब कुछ विजिट नहीं किया। ये देखिए वाह, मतलब दिल खुश करने वाला एकदम नज़ारा है ये। अगर आप भी प्लान कर रहे हो मैजिका आने का तो आइए यार, किस बात का देरी है। चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यो बड़ी, ओ हो हो भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये वाली राइड जो है मैं यहाँ तक राइड तक पहुँचते देखिए कितनी बड़ी लाइन है। इस लाइन को मुझे क्रॉस करने में करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया, और मेरा आधे से ज़्यादा वक्त जो है वाटर पार्क में यहीं गुजर गया। तो अगर आप भी सैटरडे संडे को आना चाहते हो तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही स्लाइड मिल पाएगी। वजह यह है कि सैटरडे संडे को गर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, और आप उस गर्दी में फंस जाओगे और आपको राइड तो मिलेगी नहीं, बहुत ही राइड कम मिलने वाली है। तो मुझे भी इसी तरह से बहुत ही राइड 2-2.5 घंटे के बाद मिला है, और बहुत मुश्किलों के बाद। तो आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, अगर आप सैटरडे संडे ना ही आए तो बेस्ट है, आप वीकडेज में आइए मंडे टू फ्राइडे के बीच में। हमें जाके मौका मिला है कि हम ये वाली राइड पूरी करें यार, मतलब थकान पूरी भर गई एकदम। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट मंथ जो है वो मेरा बर्थडे है, और अगर आप मुझे कोई छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हो तो बस इतना कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे एक गिफ्ट दे दिया है। प्लीज़ प्लीज़ ये गिफ्ट मैं आपसे मांगता हूँ, सब्सक्राइब करते जाइए,
इस फैमिली को बड़ा बनाइए, प्लीज सपोर्ट। सो ये वाले राइड पे भी जाने के लिए कहीं ना कहीं आधे घंटे से ज्यादा लाइन ही लगानी पड़ रही है। और एक चीज बहुत प्रॉब्लम वाली बात मैं आपको बता दूं, आप लाइन लगा रहे हो, एक और टिकट आती है एक्सप्रेस वाली, वो एक्सप्रेस वाली जिन्होंने टिकट खरीदी रहती है एक्स्ट्रा पैसा देकर, वो हमसे पहले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वाले ही सबसे पहले आ रहे हैं और हमने जो रेगुलर टिकट निकाली हम लाइन में ही खड़े रह जा रहे हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफी यार, मेरे को बिल्कुल भी जम नहीं रहा है। कैसे कैसे तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी भी मेरे पास यहाँ पर दो स्लाइड अवेलेबल है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों कोने में। देखिए ये लोग जो उतर रहे हैं वहाँ से। मैं आपको बता दूँ मैं ये स्लाइड नहीं कर पाया क्योंकि यार गर्दी, फिर से मैं आपको बता दूँ इतनी गर्दी कि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे ही दूँ तो ही ठीक है। आप भी अगर आ रहे हो यहाँ पर तो आप एक्सप्रेस टिकट लेके ही आना, मुझे ऐसा लगता है। आपने रेगुलर टिकट के पैसे भरे, अब एक्सप्रेस टिकट के भी पैसे भर दो ना अगर यह इस वाटर पार्क में आ रहे हो, क्योंकि एक्सप्रेस टिकट वाले ही इंजॉय कर पा रहे हैं, रेगुलर टिकट वाले खड़े हैं सिर्फ चुपचाप से। ये वाले राइड में मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये है कि ये वाले राइड में जो है ना कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी फ़ोटेज जो है नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, इन्हें देख लीजिए और फिर चलते हैं आगे के स्लाइड में। तो फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं हमारे सुकून वाले राइड पे, जहाँ पे हमें ढेर सारा सुकून मिलने वाला है और आपको भी इंजॉयमेंट ढेर सारे आने वाले हैं भैया। तो देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है? कैसा लग रहा है भाई, फुल एंजॉय कर रहे हैं? मेरी पैंट पीछे से खुल गई। अरे मेरे को यार बहुत अच्छा मिल गया यार, सूर्य को भी मिल रहा है। आजा, है ये देख, आजा चल। तो गाइस ठंडे ठंडे पानी में चिल करने का मज़ा ही अलग है, गर्मी में पानी के अंदर ऐसा स्वर्ग जैसा नज़ारा मतलब आपको कहाँ मिलेगा यार। मतलब मुझे देखिए आप, कितना सुकून है यार। मेरा पैर कौन खींच रहा भाई पीछे से? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैमरामैन नितेश के साथ में एक्टर कन्हैया भाई, डायरेक्टर दक्षल कोहली। मजा कर रहे हो कि नहीं? और भी नमकीन हो गई हो। राइड है, चलो कर लेते हैं उसको भी यार, मतलब छोटा या हो बड़ा राइड छूटना नहीं चाहिए अपना, ठीक है? तो ये वाली राइड है,
हैं फिर एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना कमान। वो भाई अबे तो सो फाइनली हम चलते हैं अब अपने वेव पूल की ओर। मैजिका का वेव पूल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वेव पूल है, मैं आपको बता दूं। अब पहले फर्स्ट था लेकिन अब सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है। फर्स्ट लार्जेस्ट अब आ चुका है वेट एंजॉय का। तो वेट एंजॉय का जो वेव पूल है काफ़ी बड़ा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट मैं आपको टूर दे देता हूँ यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है। बात करें यहाँ पर आपको कुछ गोला वगैरह खाना हो तो काला खट्टा है, मैंगो, कच्चा आम, रोज़ एंड ऑल ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइस देख लो कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने कैंटीन जैसा बनाया है, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से ये सारी मेन्यू कार्ड है और प्राइस के साथ अवेलेबल है, देख लो क्या क्या है, पॉज करके देख लेना जैसा है। तो ये यहाँ पर इनकी बड़ी सी कैंटीन है जहाँ पर आप अपना खाना लेकर आराम से बैठ के खा सकते हो। आई डोंट नो यहाँ पर अभी क्या क्या है, पिछली बार तो मैं आया था तो वेज नॉन वेज जो है अनलिमिटेड था, बट इस बार क्या है कुछ मुझे पता नहीं। चलिए देखते हैं वहाँ पर कुछ काउंटर वगैरह लगाया उन्होंने क्या है वहाँ पर। तो ये भी देख लो, ये भी कुछ खाली है जो कि लिमिटेड है, 343 की है। एंड मैं आपको बता दूँ मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड खाना, वेज में नॉन वेज में 400 रुपये में। तो अब आप चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, वेज में खाना है, नॉन वेज में खाना है, अनलिमिटेड खा सकते हो चिकन विकन जो भी यहाँ पर होगा। मैं सोच रहा हूँ मैं अंदर जाऊँ, मैं देखूँ यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, बट देखते हैं फिलहाल। तो ये भी एक यहाँ पर इनके पास मेनू कार्ड है जिसमें सूप, सलाद, मेन कोर्स है और एडल्ट के 381 रुपीज़ हैं और चाइल्ड के 240। थैंक यू। यहाँ पर आपको कुछ आइसक्रीम्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। ये आई थिंक सो फालूदा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वहाँ पर कुछ ऑर्डर किया है हमने, ये आ गया हमारा राइस विद चिकन। और ये वेज में आ गया है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक करते हो तो मैं आपको ले चलूंगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पर। जी हाँ, वहाँ पर वहाँ की आपको एक वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मैं दिखाऊंगा, बट आप प्लीज़ 1,00,000 ज़रूर और 1 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा वीडियो जो आपको पसंद आएगी, अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ढेर सारे मैं आपके सामने अच्छे अच्छे वाटर पार्क के व्लॉग्स लाने वाला हूँ, फिल्म सिटी का व्लॉग लाने वाला हूँ, अगर इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक आ जाए तो। तो चलिए ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए, आपको और ना तंग करते हुए, परेशान करते हुए, मैं करता हूँ इस वीडियो के यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय। और हाँ, वंस अगेन आई लव यू यार।